अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV न्यूज़ दुनिया भर से में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ गौसिया बानो। आइए नजर डालते हैं दुनिया भर से की सुर्खियों पर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुटा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलत मंद वेंचर। एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाए अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदे, रजिस्ट्री कराए और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गजा में जालिम इसराइल के ताजा हवाई हमले में 26 शहीद, हमास तंजीम के सरबरा का घर भी हमले में मुनहदिम। गजा पर इसराइल के हवाई हमले में 5 माह का शीरकार महफूज, वालदा और दीगर 4 भाई शहीद। अब तक सफवाक इसराइल के हवाई हमले में 181 फलिस्तीनी शहीद, 52 मासूम बच्चे भी शामिल। पोप फ्रांसिस ने फौरन जंग बंदी की मांग, कहा नफरत तबाही की तरफ ले जाएगी। टोरंटो और वॉशिंगटन में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। नेपाल में भी कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी, अस्पतालों और ऑक्सीजन की कमी। तूफान तोकते की तबाहकारियां, केरला के तिरुवनंतपुरम में कई मकानात को नुकसान, गोवा और गुजरात में भी जबरदस्त तबाही। भारत में 3,11,000 से ज्यादा नए कोविड मुतासरीन, 4,077 अफराद फौत। मोहन भागवत ने दूसरी लहर के लिए मोदी हुकूमत को करार दिया जिम्मेदार। गंगा नदी से लाशें मिलने का सिलसिला जारी, लावारिस लाशों को गंगा नदी के किनारे ही दफनाया जा रहा है। और मुंबई के वराला कब्रिस्तान में जगह की कमी, इंतजामिया ने कहा अब नहीं हो सकती है मजीद तदफीर। और अब पेश है खबरों की तफसीलात। इतवार के दिन इसराइल के ताजा हवाई हमलों में 26 अफराद शहीद हो गए, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी बताए गए हैं। शहीद होने वाले फलिस्तीनी मुसलमानों की तदफीन का सिलसिला भी जारी है। जालिम इसराइल के हवाई हमलों में अब तक 181 बेकसूर फलिस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए हैं, जिनमें 52 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा फलिस्तीनी इन हवाई हमलों में जख्मी हुए हैं। गजा सिटी के खान यूनुस टाउन में जालिम इसराइली हवाई हमलों में कई मकानात मुनहदिम हो गए। बेबस फलिस्तीनी मुसलमान अपनों को मुनहदिम मकानात में तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उनकी ये कोशिश रायगा गई, क्योंकि खान यूनुस टाउन में इस मकान में इसराइली हवाई हमले के बाद कोई भी जिंदा नहीं बच पाया। मुतासर अफराद खानदान मुनहदिम घरों से अपनों की खैर खाही की तलाश कर रहे थे। मलबे की सफाई के बाद कुछ लाशें मिली, मगर ये लोग शहीद हो चुके थे। عدل صوتك عشان اسمع انت بخير والله ولا شهيد 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 يا اخوانا شهيد قاعدين نشوفوا لنا بيت هذا اه
इसराइल और गजा के बीच तसादुम आज सातवें दिन में दाखिल हो गया है। इसराइली फजाइया ने गजा की पट्टी में 150 नए हमले किए। इसराइल के इस भरपूर यलगार में खान यूनुस और दीगर इलाकों में रिहायशी इमारतों को और गजा की पट्टी के मगरिब में अल अंदलिस टावर को निशाना बनाया गया। गजा में हमास तंजीम के सरबराह के घर को भी निशाना बनाया गया है। उनका घर खान यूनुस में वाक़ है। ताहम कार्रवाई में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इतवार की सुबह तल अवीव में धमाके सुने गए। ये धमाके इसराइल के वस्ती इलाके पर रॉकेटों की तीसरी खेप दागे जाने के बाद सुनाई दिए गए। इसराइल के गजा पर जारी बमबारी में पांच माह का शीरखार बच्चा बच गया है, जबकि उसकी वालदा और उसके चार दीगर भाई शहीद हो गए। इस लड़के का खानदान गजा के तीन मंजिला इमारत में रिहायश पजीर था, लेकिन बमबारी ने इस इमारत को जमीन दोज कर दिया। तहम मौजजाती तौर पर यह तनहा बच्चा जो पांच माह का बताया जा रहा है, यह लड़का अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा बच गया। هي اولادها يعيدوا على خالهم هي بيتها قريب يعني من دار اخوها ففش يعني بثواني من غير انذار من غير اي شيء قصفوا البيت توفت اللي هي ام الطفل عمر واخواته ما ضلش غير عمر 5 شهور وهي عنده اصابات عنده اصابه برجله وبعينه ومش راضي وبحلقه مش راضي يرضع الطفل لانه في اصابه بحلقه इसराइल के बाज़ इलाकों का ड्रोन फुटेज सामने आया है, जिसमें गजा से रॉकेट फायर किए गए हमले के बाद होने वाले नुकसान को बताया गया है। वाज़ेह रहे कि गजा से दागे जाने वाले बीशतर रॉकेट फजा ही में इसराइली सिस्टम के जरिए नाकारा बना दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ ही रॉकेट अपने निशाने पर पहुंच पाते हैं। हमास यहूदियों की जानिब से मस्जिद अक्सा में किए गए शर अंगेजी के बाद रॉकेट हमले शुरू कर चुकी थी, जिसके जवाब में इसराइल ने अब तक दर्जनों हवाई हमले किए हैं, जिनमें 181 बेकसूर फलस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें 52 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि इसराइली वज़ीरे आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि मकासिद हासिल करने और ज़रूरत पड़ने तक गजा की पट्टी में इसराइली ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रहेगा। उन्होंने इसराइल के अंदर की सूरत हाल को संगीन करार दिया। नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि गजा में शहरियों की हलाकतों से गुरेज किया जाए। उन्होंने हमास तंजीम पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह शहरियों को इंसानी ढाल बना रही है। इसराइली वज़ीरे आज़म के मुताबिक तखरीबकारों का ताकुब किया जाएगा। उधर पोप फ्रांसिस ने गजा और इसराइल के दरमियान चल रहे तनाजे को फौरन खत्म करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि हवाई हमले बंद होना चाहिए ताकि जानी नुकसान का खात्मा हो सके। वेटिकन सिटी में अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अब तक इस जंग में बेशुमार लोग मारे गए हैं जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उनका कहना है कि ये नफरत और इंतकाम तबाही की तरफ ले जाएगा। कनाडा के टोरंटो में इसराइल के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे किए गए। मुजाहरीन फलस्तीन को आजादी दो के नारे लगा रहे थे। यहां सैकड़ों अफराद इस एहतजाज में शामिल थे। दूसरी जानब अमरीका के वॉशिंगटन में भी इसराइल के खिलाफ और फलस्तीन के हक में मुजाहरे किए गए। एहतजाजी अपने हाथों में फलस्तीन के परचम थामे हुए थे। इसराइल और इसराइली वजीर आजम के खिलाफ नारे लगाए गए। बरतानिया के वजारत सेहत ने कहा कि वो अगले माह 14 जून तक कोविड गाइडलाइंस में नरमी देने या ना देने का फैसला कर सकती है। बरतानिया के वजीर सेहत ने इतवार के दिन कहा कि हम कोविड गाइडलाइंस में नरमी देने का फैसला 14 जून तक करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दरमियान बरतानिया में कोविड टीके देने की मुहिम में भी इजाफा किया जाएगा। स्पेन के बार्सिलोना में एक बीच के करीब पार्टी मुनक़िद करते हुए कोविड गाइडलाइंस की मुखालिफत की गई। सैकड़ों अफराद बगैर मास्क और बगैर सामाजिक दूरी के नाचने गाने में मसरूफ देखे गए, मगर बाद में उन्हें पुलिस ने यहां से हटा दिया। पुलिस का कहना है कि बार्सिलोना के साहिली समंदर के करीब 2000 से ज्यादा लोग पार्टी में मसरूफ थे जिन्हें वहां से हटा दिया गया। पड़ोसी मुल्क नेपाल में भी कोरोना से हालात इंतहाई तश्वीशनाक है। यहां अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स और अद्वियात की कमी पाई जा रही है। नेपाल के कई सरकारी और खानगी अस्पतालों ने वाजे कर दिया है कि अब वो किसी भी मरीज को अस्पताल में शरीक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बेड्स मौजूद नहीं है। कई मरीजों के अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के साथ कई मरीजों को देखा गया है जो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। नेपाल में 8000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। तूफान तोकते की तबाही जारी है। केरला के तिरुवनंतपुरम में इस तूफान ने तबाही मचा दी है। कई गांवों में कई देहातों में बिजली लापता है। वाल यातोरा गांव में इस तूफान से कम 4-5 मकानात को नुकसान पहुंचा है जिनमें से 2 मकानात पूरी तरह से मुनहदिम हो गए। मुकामी अवाम ने रियासती मरकजी हुकूमत पर सहूलतें न देने का इल्जाम आयद किया है। दूसरी जानिब गोवा में भी तूफान तोकते से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। यहां तेज हवाओं के चलने से कई दरख्त गिर गए। गोवा में मुसलसिल बारिश की इतलात मिली है। दूसरी जानिब गुजरात में भी तूफान तोकते से तबाही की खबरें हैं। गुजरात के रियासती वजीर भूपेंद्र सिन्हा ने कहा कि रियासती हुकूमत ने तमाम जिला कलेक्टर्स को अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम वुजरा और अराकीन असम्बली मुतहरिक है। उन्होंने कहा कि रियासत गुजरात एक तरफ कोरोना से मुकाबला कर रही है तो दूसरी जानिब तूफान से होने वाली तबाही से भी निपटा जा रहा है। तूफान तोकते का असर कर्नाटक के मल्लापुरम में भी देखा जा रहा है। मल्लापुरम में शदीद बारिश हो रही है। शहर की गलियां बारिश के पानी से नालों में तब्दील हो गई है। साथ ही सड़कों पर पुलिस भी चौकस नजर आ रही है। तोकते तूफान ने केरला के कोझिकोड के साहिल पर भी तबाही मचा दी है। यह तूफान अब गोवा के साहिल से टकरा रहा है और इससे कबल बताया गया था कि तूफान तोकते आज सपहर तक शुमाल मगरबी सिमत गामजन हो जाएगा। सपहर के वक्त तूफान तोकते का मरकज गोवा का शुमाल मगरबी इलाका होगा जिसके बाइस दिन भर तूफानी हवाएं और बारिश जारी रहेगी। मरकजी हुकूमत ने समंदरी तूफान तोकते के अगले चंद घंटों में मजीद खतरनाक होने का अंदेशा जाहिर किया है। तो दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कहा कि बहर अरब के ऊपर हवा के दबाव का इलाका अब समंदरी तूफान में तब्दील हो गया है और इसके 18 मई के उस पार पोरबंदर और नालिया के दरमियान गुजरात के साहिल को पार करने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपने खसूसी बुलेटिन में यह बात बताई है। इम्कान है कि यह तूफान आइंदा चंद घंटों के दौरान शदीद समंदरी तूफान और आइंदा 12 घंटों के दरमियान शदीद से शदीद तरीन समंदरी तूफान के तौर पर उसमें शिद्दत पैदा होगी। इम्कान है कि यह शुमाल मगरबी सिमत के जानब पेशकदमी करेगा। गुजरात के साहिल पोरबंदर और नालिया को पार करेगा। मरकजी और साहिली रियासतों की जानिब से समंदरी तूफान की तबाहकारियों से बचाव के लिए तैयारियां की जा रही है।
हिंदुस्तानी बहरिया की जानिब से मुतासर रियासतों की मदद की तैयारियां की जा रही है, चूंकि मगरबी साहिल समंदरी तूफान मगरबी साहिल से ये तूफान टकराने के लिए तैयार है, इसीलिए हिंदुस्तानी बहरिया ने रियासती इंतजामिया को तावुन की यकीन दहानी कराई है। नेवी के तर्जुमान ने एक ट्वीट में कहा कि बहरिया के बहरी जहाज तैयारे हेलीकॉप्टर गोताखोर और तबाही से मुतालिक इमदादी टीमें रियासती इंतजामिया को मुकम्मल मदद फराहम करने के लिए तैयार खड़ी है, क्योंकि ये तूफान हिंदुस्तान के मगरबी साहिल के करीब पहुंच रहा है और इस गर्दाबी तूफान के नतीजे में साहेली पट्टी में 16 और 18 मई के दरमियान बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होगी। केरला में बारिश के बाईस सूरत हाल संगीन बताई गई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसिल कमी के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,11,170 नए मामले सामने आए हैं और इस वबा की वजह से 4,077 अफराद की मौत हुई है और इस दौरान मुल्क में 3,62,437 अफराद ने इस वबा को शिकस्त दी है और शिफायाबी की शरह बढ़कर 83.83% हो गई है। 17,33,232 अफराद कोरोना से बचाव के उन्हें टीके दिए गए। मुल्क में अब तक 18,22,20,164 अफराद को कोविड वैक्सीन की वबा के खिलाफ खतरे पिलाए जा चुके हैं। इतवार की सुबह मरकजी वजरत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,62,437 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक 2,07,95,335 अफराद ने कोरोना को शिकस्त दी है और इस अरसे में 3,26,098 नए मामलों की आमद के साथ साथ मुतासर अफराद की तादाद अब 2,43,72,907 हो गई है। उधर गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के कई गांवों और कस्बों से बहती हुई लाशें यहां आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई गांवों और कस्बों में गंगा नदी से अब भी लाशों के निकलने का सिलसिला जारी है। गांव के मुकामी अफराद का कहना है कि लाश की दस्तियाबी के बाद उसे गंगा नदी के किनारे ही दफनाया जा रहा है। मुकामी अवाम का कहना था कि अगर यहाँ बाढ़ आ गई तो ये लाशें एक बार फिर गंगा नदी में बह जाएगी। इन लाशों के मिलने के बाद कई सवाल पैदा हो रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ये तमाम लाशें कोविड मुतासर लोगों की है और लकड़ी की कमी के बायस इन्हें पानी में बहाया जा रहा है और इसके अलावा मुतासर खानदान इन लाशों की आखिरी रसूमा से इनकार कर रहे हैं, जिसके बायस उन्हें गंगा नदी में बहा दिया जा रहा है। क्या मैंने लोग यहाँ दफनाना चालू किए हैं? पहले एक दो लोग ही दफनाते हैं, आपके सामने है यहाँ से कम से कम सैकड़ों लहाते जो है बालू के अंदर गाड़ दिया गया है और आज नहीं कल अगर बाढ़ आएगी तो इसको बहा ले जाएंगे, लहाते सारी लहाते जो है गंगा जी में ही चली जाएंगी। कि जो कुछ लोग सबों को लावारिस मान करके और नदी में बहा दे रहे हैं और दूर दूर तक सब बह करके जा रहे हैं और ये जनता में एक दुर्भाव जो है पैदा हो रहा है इस चीज़ से, इसको रोकने के लिए हम लोगों को ड्यूटी संपादित करने हेतु लगाया गया ताकि नदी में कोई लावारिस सब बहता हुआ ना मिले। इधर दूसरी जानिब मुंबई के वडाला कब्रिस्तान में भी जगह की कमी का बोर्ड लगा दिया गया है। कब्रिस्तान के जिम्मेदारों का कहना है कि कोविड वबा के बाद यहां बड़ी तादाद में तदफीन का अमल अब भी जारी है। कब्रिस्तान के जिम्मेदारों का कहना है कि अब इस कब्रिस्तान में जगह की किल्लत है और अब यहां मजीद तदफीन नहीं हो पाएगी। कोरोना बहरान के बायस जारी कोविड कवायद की पाबंदियों से दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स परेशान हैं। ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि पाबंदियों के बायस सवारियां नहीं मिल पा रही है, अगर सवारी मिल भी जाती है तो पैसे कम मिलते हैं, लेकिन घर चलाने के लिए कम पैसों ही में चलना पड़ता है। इंटरनेशनल मेडिसिन के डॉक्टर अंशुमन त्यागी का कहना है कि कोविड मरीजों की शिफायाबी के लिए प्लाज्मा थेरेपी गैर मौसर है, इसे हिंदुस्तान की कोविड ट्रीटमेंट गाइडलाइन से खारिज कर देना चाहिए। उनका कहना था कि बहरान के इब्तदाई दौर में प्लाज्मा थेरेपी तजुबाती तौर पर इस्तेमाल की गई थी, लेकिन इन तजुबात से वाजे हो गया है कि ये थेरेपी मरीज के लिए कारामद नहीं है, इसलिए इस पर अमल नहीं होना चाहिए। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, ये मुहावरा इन दिनों आरएसएस पर खूब जच रहा है। दरअसल आरएसएस ने अब अस्पतालों में बेड्स की किल्लत को देखते हुए अलीगढ़ में सर्विस सेंटर का आगाज किया है। आरएसएस की रिवायती टोपी और ड्रेस कोड में उसके कारकुनान सेंटर में मरीजों का हालचाल पूछते नजर आए।
रियासत बिहार के मानेर गांव में कोविड मुतासर अफराद या फिर उससे बचाव के लिए इंतजामिया की जानिब से कोई खास इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। मुकामी आवाम का कहना है कि मानेर गांव में ना ही कोई आइसोलेशन वार्ड है और ना ही कोविड के टीके देने की कोई सहूलत दस्तियाब है। उनका कहना था कि अगर कोई बाहर से आता है तो अपने ही घर में आइसोलेशन की मुद्दत पूरी करता है। आसाम की गुवाहाटी में दिन के 12 बजे से लॉकडाउन है और ताजरीन का कहना है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में छूट से उनकी तिजारत पर असर जरूर पड़ रहा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के शदीद बहरान और गंगा के साहिल पर बड़ी तादाद में पड़ी लावारिस लाशों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरबराह मोहन भागवत ने गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इस सूरत हाल के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया और साथ ही अवाम पर भी इसका ठकीरा फोड़ा। मोहन भागवत ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा की पहली लहर के बाद मुल्क के तमाम तबकात और हुकूमत लापरवाह हो गई, यही वजह है कि मुल्क को आज तिब्बी बहरान का सामना है। मोहन भागवत ने कहा कि पहली लहर के बाद हम सब लापरवाह हो गए, लोग, हुकूमतें, इंतजामिया, हम सभी जानते थे कि दूसरी लहर आ रही है, डॉक्टरों ने हमें इंतबाह दिया था, फिर भी हम लापरवाही करते रहे। मोहन भागवत ने कहा अब वो हमें बताते हैं कि तीसरी लहर आ सकती है तो क्या हमें डरना चाहिए या वायरस के खिलाफ लड़ने और जीतने के लिए मुस्बित रवैया इख्तियार करना चाहिए। उन्होंने कौम की तवज्जो मुस्तकबिल की जानिब मरकूज करने की तलकीन की ताकि लोग और हुकूमत मौजूदा तजुर्बा से सबक हासिल करें और उसके लिए तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि आज की गलतियों से सीख कर ही मुमकिन तीसरी लहर का सामना किया जा सकता है और इसके लिए अवाम को खुद एतमादी पैदा करनी होगी। और आइए वापस रुक करते हैं दुनिया भर से की सुर्खियों का। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना, GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुटा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलत मंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाए अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदे, रजिस्ट्री कराए और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। गजा में जालिम इसराइल के ताजा हवाई हमले में 26 शहीद, हमास तंजीम के सरबराह का घर भी हमले में मुनहदिम। गजा पर इसराइल के हवाई हमले में 5 माह का शीरकार महफूज, वालदा और दीगर 4 भाई शहीद। अब तक सफवाक इसराइल के हवाई हमले में 181 फलिस्तीनी शहीद, 52 मासूम बच्चे भी शामिल। पोप फ्रांसिस ने फौरन जंग बंदी की मांग, कहा नफरत तबाही की तरफ ले जाएगी। टोरंटो और वॉशिंगटन में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। नेपाल में भी कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी, अस्पतालों और ऑक्सीजन की कमी। तूफान तोकते की तबाहकारियां, केरला के तिरुवनंतपुरम में कई मकानात को नुकसान, गोवा और गुजरात में भी जबरदस्त तबाही। भारत में 3,11,000 से ज्यादा नए कोविड मुतासरीन, 4,077 अफराद फौत। मोहन भागवत ने दूसरी लहर के लिए मोदी हुकूमत को करार दिया जिम्मेदार। गंगा नदी से लाशें मिलने का सिलसिला जारी,
लावारिस लाशों को गंगा नदी के किनारे ही दफनाया जा रहा है। और मुंबई के वराला कब्रिस्तान में जगह की कमी, इंतजामिया ने कहा अब नहीं हो सकती है मजीद तदफीन। इसी के साथ दुनिया भर से का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।